This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासर अथवा भौमवासर चैत्र शुद्ध एकादशी दिनांक 12 11 एप्रिल 2022 चरक विमानस्थान अध्याय 8 शंखं चक्रं जलौकां दधतमृत घटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धि सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् तत्र अयम् अध्ययन विधि तो उसमें ये अध्ययन विधि है कल्यः कृतक्षणः प्रातरुत्थाय उपव्यूषं वा कृत्वा आवश्यकम् उपस्पृश्य उदकम् देवश्री गो ब्राह्मण गुरुवृद्ध सिद्धाचार्येभ्यो नमस्कृत्य समे शुचौ देशे शुकोपविष्टः मनस्सु पुरस्सराभिर्वाग्भिः। तो कल्यः पवित्र इस प्रकार का कल्य कहाँ है एक बार देखते हैं। निरोगः कृतक्षणा इति अनन्तत्वेन कृतक्षणः जिसने इसके लिए समय निकाला है इस प्रकार से प्रातरुत्थाय उपव्यूषम वा तो प्रातः या उपव्यूष उपव्यूष का मतलब एक बार देखेंगे किंचित शेषायाम रात्रौ तो अभी ये रात खत्म कब होगी वैसे ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे तो 1.5 घंटा सूर्योदय से पहले उठना है। सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है और अरुणोदय की कल्पना ही लोगों को नहीं है इस प्रकार से ताम्रपुटन इस प्रकार के जो कहा जाता है पूरा लालिमा छा जाता है वो एक्चुअली सूर्योदय से पूर्व ये अरुणोदय है और उसके भी पूर्व रात्रि का समय इस प्रकार का रहेगा। वा कृत्वा आवश्यकम तो मल विसर्जन आदि कृत्वा उपस्पृश्य उदकम पानी को स्पर्श करके या फिर नहा के देवगो देव ऋषि गो ब्राह्मण गुरुवृद्ध सिद्धाचार्येभ्यो नमस्कृत तो देव ऋषि गो ब्राह्मण गुरुवृद्ध सिद्धाचार्य इन सभी को नमस्कार करते करके समय शुचौ देशे सुखोपविष्टः
समा और शुचि इस प्रकार के देश में सुखोपविष्ट सुख से बैठकर मतलब पुरस्सराभिर्वाग भी जिसमें उसका मन है इस प्रकार के वाणी, तो उसमें ध्यान देना जरूरी है। सूत्रम अनुक्रामन पुनः पुनः आवर्तयत बुद्ध्या सम्यक अनुप्रविश्य अर्थ तत्व। तो पुनः पुनः आवर्तन उसका करते रहे, बुद्ध्वा सम्यक अनुप्रविश्य अर्थ तत्व, तो जानकर जो उसका अर्थ तत्व है उसमें प्रवेश हमें करना है। स्वदोष परिहारार्थम परदोष प्रमाणार्थम च, एक अपने दोष के परिहार के लिए उनको टालने के लिए और दूसरों के दोष जानने के लिए। एवं मध्यम दिने अपराह्न रात्र अपराह्ने रात्रौ च शश्वत अपरिहापयन अध्ययनम अभ्यस्येत इति अध्ययन विधि। और उसी प्रकार मध्यम दिन अपराह्न और रात्रि इसमें शश्वत अपरिहार्यन अध्ययनम अभ्यस्येत, कुछ भी समय गवाते नहीं हुए अध्ययन का अभ्यास करें इति अध्ययन विधि। तो ये पढ़ते रहना है और साथ साथ में उसका अर्थ भी समझ में लेना है और उसमें घुसना है। अनुप्रविश्य अर्थ तत्व उसकी गहराई में इस प्रकार से जाना है और अपने दोष दूर करने के लिए और परदोष प्रमाणार्थं स्वदोष परिहार पर दोष प्रमाणार्थम इत्यर्थः। स्वकीय अध्ययन दोष परिहारार्थम परकीय अध्ययन दोष प्रमाणार्थम परकीय अध्ययन दोष ज्ञानार्थम इत्यर्थः। प्रमीयते अनेन इति प्रमाणं ज्ञानमात्रम् ईप्सितम् सम्यक् बुद्धा बुद्ध्वा अर्थतत्त्वम् बुद्ध्वा च अधीयानो निर्दोषाध्ययनो भवति। सम्यक् अध्ययन ज्ञानाच्च परस्य दशदोषम् अध्ययनं प्रतिपद्यते। तो हम भी भूल नहीं करें और दूसरा भी अगर भूल कर रहा है तो उसको भी हम सजग करेंगे कि यहाँ पे भूल हो रही है। इस प्रकार से गुरुकुल में सुबह जब कंठस्थीकरण होता है तो इस बात पर ध्यान दिया जाता है कोई गलत उच्चार इस प्रकार से अगर हो रहे हैं तो वहीं पे उनको रोका जाता है कि ये इस प्रकार से उच्चारण करना है। अथा अध्यापन विधि। अध्यापने कृतबुद्धिराचार्यः शिष्यमेव आदितः परीक्षित। जिसने अध्यापन में निश्चय कर लिया है बुद्धि कर ली है वो आचार्य पहले शिष्य की परीक्षा करें। जैसे शिष्य को गुरु की परीक्षा करनी है उसी प्रकार गुरु को भी शिष्य की परीक्षा करनी है। तथा प्रशांतम जो शांत हो आर्य प्रकृतिकम कि जिसके ऊपर संस्कार इस प्रकार के अच्छे आर्य प्रकृति वाला इस प्रकार का हो। अक्षुद्र कर्माणम क्षुद्र कर्म नहीं करने वाला इस प्रकार का। ऋजु चक्षु मुख नासावंशम चक्षु मुख नासावंशे जिसके सरल इस प्रकार के हैं। तनु रक्त विशद जिह्वम जिह्वा जो है तनु रक्त विशद इस प्रकार की हो। अविकृत दंत ओष्ठम ओष्ठम अमिन्मिनम दंत ओष्ठ अविकृत हो अमिन्मिन जो मिन्मिन मुख वगैरह इस प्रकार के दोष बताए गए वाणी के उससे विरहित हो। धृतिमंतम धुति उसकी अच्छी हो। अनहंकृतम जिसको अहंकार नहीं हो। मेधाविनम मेधा ग्रंथाकरण शक्ति इस प्रकार की कहाई जाती है तो ये मेधावी होना चाहिए। वितर्क श्रुति संपन्नम उदार तत्वम तो वितर्क स्मृति संपन्न उदार सत्व उदार जिसका मन इस प्रकार का हो। तद्विद्य कुलम कुलजम अथवा तद्विद्य वृत्तम इस विद्या को जानने वाले कुल में निर्माण हुआ या उस विद्या को जानने वाला इस प्रकार का उस प्रकार से जिसका आचरण है इस प्रकार का। तत्वाभिनिवेशनम तत्व में रुचि रखने वाला उसी में अभिनिवेश रखने वाला। अव्यंगम अव्यंग हो अव्यापन्न इंद्रियम इसके इंद्रिय सभी अच्छे हो। निवृतम अनुद्धतम अर्थ तत्व भावकम अपकोपनम अव्यसन तो निवृत गोपनीय वस्तुओं को गुप्त रखने वाला। विनीतम अच्छा तो विनम्र इस प्रकार का।
अनुद्धतम, अनुद्धत में भी उद्धत नहीं होना तो विलीत होना ऐसा ही थोड़ा सा है। अर्थत्व, अर्थ तत्व भावकम, अर्थ तत्व जिसको छा जाता है, भावक इस प्रकार का है। अकोपनम, क्रोधाविष्ट न होने वाला। अव्यसनम, कोई भी व्यसन संकट इस प्रकार के नहीं है। व्यसन का यहाँ मतलब एडिक्शन नहीं होगा, संकट ये व्यसन का अर्थ होता है। शील शौच आचार अनुराग दाक्ष प्रादक्षिण्य उपपन्नम, इसके शील शौच आचार अनुराग दाक्ष दक्षता प्रादक्षिण्य संस्कार जिसके ऊपर अच्छे हो और रुचु पद्धति से चलने वाला इस प्रकार का। अध्ययन अभिकाम अर्थ विज्ञाने, अध्ययनाभिकाम, अध्ययन में जिसकी रुचि है, जो चाहने वाला है। अर्थ विज्ञाने कर्म दर्शने का अनन्य कार्यम, अर्थ जानने के लिए और कर्म देखने के लिए दूसरा कोई कार्य नहीं करने वाला उस समय में। अलुब्ध मनसम, अलुब्धम अनलसम, जो लोभी नहीं है, आलस विरहित इस प्रकार का है। सर्वभूत हितैषिणम, और सभी प्राणी मात्रों की हित की कामना करने वाला। आचार्य सर्वान सृष्टि प्रतिकरम अनुरक्तं च, आचार्य अनुशिष्टि प्रीतिकरम प्रतिकरम आज्ञाकरम, आचार्य सर्वानुशिष्टि प्रतिकरम। दाक्षिण दर्शय तो आप सर्वानुशिष्टि प्रतिपत्तिकरम। तो जो भी इस प्रकार के कर्म रिवाज हो वो करने वाला इस प्रकार का सर्व अनुशिष्टि। तो शिष्ट का मतलब विद्वान इस प्रकार का होता है, जो सभी विद्वान लोग जिसके बारे में बताते हैं वो करने वाला। और आज्ञा को पालने वाला इस प्रकार से वो होना चाहिए। अभी इस सब वर्णन को देखने के बाद ऐसे शिष्य कितने मिलेंगे ये बड़ी कठिन बात है। अच्छे गुरु भी मिलना मुश्किल है, अच्छे शिष्य भी मिलना मुश्किल है। फिर भी अभी BMS में जो छात्र आते हैं वो काफी लोग अंग्रेजी मीडियम भी पढ़ के आते हैं, संस्कृत की भी कमती उनके द्वारा पढ़ी नहीं होती। और ऐसे स्थिति में उनको संस्कृत सिखाना, आयुर्वेद ग्रंथों का परिचय देना, ये बहुत मुश्किल इस प्रकार का हो जाता। मैं तो पहले 3 महीने में 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा का व्याकरण, या सामान्य रूप से व्याकरण, देव वनमाला वगैरह शब्द ये लेता था। उनकी अगर उनको देववनमाला भी मालूम नहीं है तो आयुर्वेद के शब्दों को लेकर उनकी ये क्या विभक्तियां हैं वगैरह समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाएगा। हमारे ही ग्रंथों से शब्द चुनकर अगर हम करने की कुछ कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे वात पित्त, राम देव के बदले वात, पित्त के वन के बदले पित्त, इस प्रकार के अगर कोशिश करेंगे तो वो शब्द से हम परिचित हो, उन शब्दों से हम परिचित हो जाएंगे और फिर विभक्ति कौन सी है क्या है ये बता सकेंगे। फिर भी संधि नियम समास नियम ये भी बताने जरूरी इस प्रकार के होते हैं। और अच्छे तरीके से पढ़ना
ये भी बात आवश्यक इस प्रकार की हो जाती है। अभी ट्रेंड बढ़ रहा है आयुर्वेद की तरफ, अब बहुत सारे वैद्य हैं कि उनके लड़के लड़कियां अब आयुर्वेद में आने लगे हैं। तो एक बात हो सकती है कि 11वीं 12वीं के लिए एक अलग इस प्रकार का ग्रुप बनाया जाए बायोलॉजी में, जो आयुर्वेद में आना चाहते हैं, और उनके लिए संस्कृत विषय के बारे में ज्यादा प्रयास किए जाएंगे। प्राचीन भारतीय शास्त्रों को तो शालेय स्तर पर ही हमें इंट्रोड्यूस करना है। जब मैंने जंतर मंतर देखा, अब दूसरी या तीसरी बार मैंने देखा होगा, और उस समय में भी मुझे लगा था कि यह शालेय स्तर पर पहुंचना चाहिए। वैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र, योग, आयुर्वेद, ये सभी शालेय स्तर पर आने चाहिए। तो अभी MBBS जो होते हैं वो डॉक्टर केवल एलोपैथी के बारे में ही सोच सकते हैं, उनको आयुर्वेद के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होता, क्योंकि शालाओं में कहीं भी प्राचीन भारतीय शास्त्रों के बारे में सिखाना नहीं है। तो कम से कम जो इस प्रकार से आयुर्वेद में आना चाहते हैं उनके लिए अगर अलग ग्रुप बना जाए तो अच्छा रहेगा। एक बीच में ये सोच रहे थे कि फिर से 10वीं कक्षा के बाद 2 बरस के लिए पूरी आयुर्वेद और फिर BAMS, ये पहले जमाने में था कि 10वीं कक्षा के बाद भी आयुर्वेद में एंट्री होती थी, बंद हो गया बाद में, और उनके लिए 2 बरस का प्री आयुर्वेद था। मैं इंटर साइंस करके आया तो मुझे भी प्री आयुर्वेद का 1 वर्ष करना पड़ा और फिर फर्स्ट BAMS में एंट्री हुई। तो ये बातें काफी थोड़ी सी मुश्किल इस प्रकार की है, लेकिन बाकी जो शिष्य गुण बताए गए हैं वो तो सभी शिष्यों के लिए है, चाहे आप आयुर्वेद पढ़ना चाहो या दूसरे कोई शास्त्र पढ़ना चाहो, आपके लिए ये जरूरी इस प्रकार का है। तो सशिष्य और सद्गुरु ये दोनों आवश्यक है और तभी शास्त्र आगे बढ़ेगा। शस्त्रम शास्त्राणि शलिलम गुणदोष प्रवृत्ते पात्रापेक्षी, ये संग्रह में श्लोक आया, अत प्रज्ञां बाहुश्रुतेन ब्रूहयेत्। शस्त्र शास्त्र और शलिल पाणि जिस पात्र में रहते हैं उसके अनुसार उसका प्रचलन कैसा होगा ये बात चलती रहती है। तो शास्त्र अगर निम्न स्तर के लोगों के पास चला गया तो ना ही केवल उनकी क्षति होती है बल्कि शास्त्र की भी क्षति होती है। और यही सिलसिला एलोपैथी के बारे में भी हुआ है। एलोपैथी में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स थे जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करते थे, और बाद में जैसे फार्मेसी ने टेक ओवर किया, टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर किया, तब अभी सब रिसर्च जो है वो खरीदा गया रिसर्च इस प्रकार का है, और उसके जरिए जो डॉक्टर्स बन रहे हैं वो भी उसी प्रकार से बन रहे हैं, और फिर उसमें शास्त्र की तरक्की नहीं हो सकती। डॉक्टर ग्रांट ने यहाँ रूबी हॉल में कहा था कि कैंसर के लिए अगर दवा आएगी तो आयुर्वेद से आएगी, एलोपैथी में कुछ नहीं होने वाला, ये उनका कहना था। तो ये अभी लिमिटेशन हो गया है। अमेरिका में एक बहुत बड़ा स्टैटिस्टिक्स चल रहा है मेडिकल फील्ड में, और जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा हुई है उसके आधार पर वो कह रहे हैं इट्स ए बिग जीरो, इसमें से कुछ नहीं निकलने वाला इस प्रकार। तो राइज एंड फॉल ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, ये किताब 2008 में ही पब्लिश हो चुकी है, और जिस तरीके से मॉडर्न मेडिसिन अभी आगे जा रहा है
उसके आधार पर यह निश्चित है कि उसके लिए भवितव्य नहीं है। लेकिन हम भी काफी दूर है, काफी पीछे है, तो हमें भी अगर इसमें हिस्सा लेना है, आगे बढ़ना है, तो भी काफी मुश्किल है, इस प्रकार की है। एवं इदम अध्ययनार्थिनम उपस्थितम आराराधयेषु आचार्य अनुभाषेत। इस प्रकार का जो अध्ययनार्थी है, तो विद्यार्थी होना जरूरी है। विद्यार्थी यानी कि विद्या का याचक। और जब तक आप याचक नहीं बनेंगे, तब तक गुरु संतुष्ट होकर आपको ज्ञान नहीं देगा। तो तुम्हारे मन में इच्छा होनी चाहिए, हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है, तभी ये अध्यापक पढ़ाएंगे। आराधयेषु आचार्य अनुभाषेत। और जो आराधना करने की इच्छा रखता है, उसको आचार्य कहे उदयने शुक्ल पक्षे प्रशस्ते हानि। तो उत्तरायण में शुक्ल पक्ष प्रशस्त दिन पर तिष्य हस्त श्रवण आश्वेजाम अन्यतमेन नक्षत्रेण योगमुपगते भगवती शचिनी। तिष्य यानी कि पुष्य नक्षत्र, हस्त श्रवण और अश्विनी, इन नक्षत्रों में, इन इनमें से किसी नक्षत्र में चंद्र है। कल्याणे कल्याणे च करणी, और वो कल्याणकारक भी होना चाहिए और करण भी कल्याणकारक होना है। मैत्रेय मुहूर्त है, मैत्र मुहूर्त इस प्रकार का अनुकूल मुहूर्त है। मुंडहा कृतोपवासः, तो मुंडन करके और उपवास करके, स्नातः काषाय वस्त्र संवितः, स्नान करके काषाय वस्त्र भगवान इस प्रकार का वस्त्र धारण करके, सगंध हस्तः, तो इधर फूल हाथ में ले ले सुगंधी, या फिर चंदन वगैरह का लेप करे। समिधा अग्निम आज्यम उपलेपनम उद कुंभान माल्य दाम दीप हिरण्य हेम रजत मणि मुक्ता विद्रुम क्षौम परिधीन कुश लाज सर्षप अक्षतांश शुक्लानि सुमनांसि ग्रथित अग्रथितानि मेध्यान भक्षान गंधांश गृष्टान आदाय उपतिष्ठस्व। तो समिधा अग्नि आज्यम उपलेपनम, अग्नि इसमें पाठभेद भी कुछ नहीं है। थोड़ा देखना पड़ेगा। समिधा अग्निम सुगंध हस्त क्यों, ये तो ऐसा है ना कि सुगंध एक अच्छा इस प्रकार का रहता है, वातावरण की निर्मित अच्छी होती है, मन प्रसन्न होता है, तो इसलिए सुगंध हस्त। इसमें श्राद्ध पक्ष में भी हाथ में गंध लगाते हैं इस प्रकार। हिमालयन नहीं, अग्नि भी साथ में लेके आना है क्या? आज्य घृत उपलेपन उद कुंभ माल्य दाम दीप हिरण्य हेम रजत मणि मुक्ता विद्रुम क्षौम परिधीन हस्त प्रमाणा होम कुंड चतुष्पार्श्वे स्थाप्या पालाशादि दंडा उच्यन्ते। हिरण्य शब्देन अघटितम हेम उच्यते, हेम शब्देन से घटितम। अरे बाप रे, तो हेम और हिरण्य दोनों सुवर्ण के ही है, तो केवल सोना और उससे बने अलंकार ये दोनों लेके आने हैं। कुशलाज सर्षप अक्षतांश, ये होमकुंड है, परिध इस प्रकार का जो है वो
चतुपार्श्वे साप्ताह पालाशादि दंडा उच्चन्ते कुशलाज सर्षप अक्षतांश्च कुशलाज सर्षप और अक्षत शुक्लानि सुमनांसि शुक्ल वर्ण के फूल ग्रथित अग्रथितानि और कोई माला बनाई हुई हो या अलग अलग फूल हो। मेध्यान भक्षान गंधांश्च तो मेध्य भक्ष लेके आना है गंधांश्च गृष्टान आदाय और चंदन वगैरह घिस कर वो लेके आए और ये लेके यहाँ पे बैठो इस प्रकार से यहाँ पे स्थित हो जाओ। तो मेध्य भक्ष में कुष्मांड और तिल ये दोनों मेध्य बताए गए हैं। तो हम अभी कुष्मांड से बने इस प्रकार के वड़ी जो है कुष्मांड पाक वो बना के छात्रों के हाथों में देते हैं और तिलगुड़ भी इस प्रकार से दे सकते हैं वो भी मेध्य इस प्रकार का होता है। तो अभी गुरुकुल में शुरू में ये इस प्रकार का होम होता है कि ये शिष्योपनयनीय अध्याय के बारे में जो बताया गया है ये सभी अभी ये हेम हिरण्य वगैरह तो छोड़ दो लेकिन बाकी जो चीजें उपलब्ध हो सकती है उनको लेकर उसको आना है और फिर तम उपस्थितम आज्ञाए समय शुचो देशे प्राक प्रवणे उदक प्रवणे वा चतुष्कृषि मात्रम चतुरस्त्रम संडिलम गोमयोदकेन उपलिप्तम कुशास्तीर्णम सुपरिहितम परिधि चतुर्देशम यथोक्त चंदन उदकुंभ क्षेम क्षौम हेम हिरण्य रजत मणिमुक्ता विदुर्मालंकृतम। तो जो उपस्थित हो जाएगा शिष्य सम शुचि इस प्रकार के देश में प्राक प्रवणे उदक प्रवणे वा पूर्व दिशा सम्मुख होकर या उत्तर दिशा को सम्मुख होकर चतुष्किषकु मात्रम चार हस्त प्रमाण का चतुरस्त्रम थंडिलम तो ये गोमय उदक उदकेन उपलिप्तम गोमय उदक से उपलिप्त किया गया कुशास्तीर्णम उसमें ऊपर कुशा डाल के सुपरिहितम परिभिधि भी चतुर्दिशम यथोक्त तो चंदन उदकुंभ हस्त प्रमाणम सुपरिहितम सुवेष्टितम उपधाय आरोप्य जूयाति अध्यापकः इति अभिप्रायः। चंदन उदकुंभ पानी से भरा हुआ घट क्षौम हेम हिरण्य रजत मणि मुक्ता विद्रुम अलंकृतम। तो यहाँ दोनों समय क्षौम का ही उल्लेख है जो क्षौम कार्पास वस्त्र का नहीं है मैं जो बताना चाहता था रेशमी वस्त्र उसका प्रयोग वहां पे करना है इस प्रकार से। तो इसे अलंकृत करके मेध्य भक्ष गंध शुक्ल पुष्प लाज सर्षप अक्षतोपशोभितं कृत्वा और ये मेध्य भक्ष गंध शुक्ल पुष्प लाज सर्षप अक्षतोपशोभित इस प्रकार से कृत्वा तत्र पालाशी भी अंगुदी भी औदुम्बरी भी माधुकी भी वा समिद्धि। तो पलाश इंगुदी औदुम्बर या माधुकी का मतलब शायद मोह या यष्टि मधु इस प्रकार का होगा। तमिद भी अग्नि उपासमाधाय तो अग्नि का समाधान करके प्रांगमुखा शुचि अध्ययन विधि अनुविधाय मधुसर्पिभ्याम त्रिहि जुहुयात अग्निम आशी ही संप्रयुक्त ही मंत्रे ही ब्राह्मा ब्रह्माणम अग्निम धन्वंतरिम प्रजापतिम अश्विनौ इंद्रम ऋषिंश्च सूत्रकारान अभिमंत्रयमाणः पूर्वं स्वाहा इति। तो पूर्व दिशा को सम्मुख इस प्रकार के होकर शुचि अध्ययन विधिम अनुविधाय पवित्र होकर ये अध्ययन विधि का पालन करते हुए मधुसर्पिभ्याम घी घृता और मधु के साथ ये मधु तो मैं पहली बार देख रहा हूं और मैंने भी सोचा नहीं था
घी के तो आहुतियां देते रहते हैं, लेकिन मधुसर फिर भी हम ये अलग आया है। त्रिहि त्रिहि जुहुयाद अग्निम, तीन तीन बार अग्नि को आहुति दी जाए। आशीष संप्रयुक्ते मंत्रे ही ब्रह्मा, तो आशीष संप्रयुक्ते इस प्रकार के मंत्रों के द्वारा ब्रह्मा अग्नि, ये अलग है अग्नि, धन्वंतरी, प्रजापति, अश्विनी, इंद्र, ऋषिंश्च, सूत्रकारान अभियंत्रय अभिमंत्रय माणः पूर्वं स्वाहा इति। डल्हन टीका में शिशोपने अध्याय में सुश्रुत के ये धन्वंतरी है, अग्नि नहीं है उसके बाद में, और ये ब्रह्मा से शुरुआत इस प्रकार से की है। तो पहले ब्रह्मा, फिर धन्वंतरी, और फिर इंद्र, अग्नि वगैरह, ये ब्रह्मा स्मृत्वा ईशो एवं प्रजापति में प्रजापति वगैरह वगैरह इस क्रम से वहां पे दिया गया है। तो यहाँ अग्नेय स्वाहा, अग्नेय इदम नमः, अद्भ्य स्वाहा, अद्भ्य इदम नमः, इस प्रकार से जनरली होता है, तो ये थोड़ा सा देखना चाहिए। और इसमें धन्वंतरी का डायरेक्ट संबंध आया है ये भी अलग बात है, क्योंकि ये तो अलग संप्रदाय है, सुश्रुत से अलग, लेकिन ब्रह्मा के बाद धन्वंतरी है और फिर प्रजापति वगैरह है, और अंत में हम माधवाय स्वाहा, हमारे गुरु जो है उनको भी उसमें आहुति इस प्रकार के देते हैं। तो वो आठ व्यक्ति हो जाते हैं कुल मिला के। और पहले जो दंपति वहां पे बैठेगी इस कर्म करने के लिए, उसमें स्वस्ति वाचन और पुण्या वाचन ये पहले होता है, कलश पूजन, वरुण पूजन ये पहले होता है, और फिर इस प्रकार की आहुतियाँ पहले उस दंपति के द्वारा दी जाती है, और फिर सभी छात्र आहुति प्रदान इस प्रकार के करते रहते हैं, और तीन प्रदक्षिणा अग्नि को करते हैं, और फिर अध्ययन विधि शुरू होता है। तो हम अभी सब ये गुरुकुल में कर रहे हैं, और शुरू शुरू में हम गुरुजी को बुलाते थे, अभी गानू सर पहले करने लगे, फिर मैं भी ये करने लगा। तो जो कोई वहां पे उपस्थित हो, जिसको इसके बारे में मालूम हो, वो इस प्रकार से कर सकता है। और फिर अध्ययन शुरू हो जाता है, ऐसा अभी गुरुकुल में ये सब प्रचलन है। शिष्यश्च एनम अनुमालभेत, तो शिष्य उनके बाद में उसी प्रकार से का पालन करे। हुत्वा च प्रदक्षिणम अग्निम अनुपरिक्रामे, और हवन करने के बाद प्रदक्षिणा करनी है, परिक्रम में ब्राह्मणान स्वस्ति वाचे विशेषश्च अभि पूजे, और फिर ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन करे। हमने ये स्वस्ति वाचन पहले ही रखा है एक्चुअली, और फिर विशेषश्च अभिमंत्र अभि पूजे, जो ज्येष्ठ वैद्य इस प्रकार के रहेंगे उनका पूजन किया जाएगा। तो हम शुरू में कुछ ज्येष्ठ वैद्यों को इस प्रकार से बुलाते थे वहां पे, अभी यह प्रचलन काफी कम हो गया है, जो भी अध्यापक रहेंगे उन्हीं का पूजन किया जाएगा, लेकिन काफी हद तक इस प्रकार से किया जाता है। गुरु 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 होमानंतरम जुहुयात न एव जुहुयात, तो शिष्य को भी इसमें आहुतियां देनी है, और वो हम अभी वहां पे करते हैं। अथ एनम अग्नि सकाशे ब्राह्मण सकाशे भिषक सकाशे च अनुशिष्या, और फिर अग्नि के नजदीक, ब्राह्मण के नजदीक और वैद्य के नजदीक उसको उपदेश करें। ब्रह्मचारिणा श्मश्रुधारिणा सत्यवादिना अमांसादेन मेध्य सेविना निर्मत्सरेण अशस्त्र धारिणा च भवितव्यम्। तो आपको ब्रह्मचारी रहना है,
मशरूधारी, तो ये थोड़ा अजब अलग है। ये मशरू धारण करनी है उसको काटना इस प्रकार का नहीं है, संधारण उनका संहरण संहरण करना नहीं है। तो नीचे रोम लखश मशरू निर्मला अग्नि मनायनः मलायनः, ये सामान्य रूप से कहा गया है। और त्रिपक्षस्य कचश्मश्रु लोमा नखलोमानी साधयेत, इस प्रकार का भी है। तो 15 दिन में 3 बार एक्चुअली ये सब करना है। यहाँ पे बताते हैं कि नहीं करना है, श्मश्रुधारी इस प्रकार का होना है। सत्यवान सत्यवादी ना, सत्यवादी अमांसादेन मांस भक्षण नहीं करना है, मेद्य से बिना, और मेद्य सेवन करना है। निर्मत्सरेण मत्सर नहीं होना है, अशस्त्र धारणा च भवितव्यम, और शस्त्र का भी धारण नहीं करना है। न चे मद्वचनात् किंचित् अकार्यम स्याद् अन्यत्र राजद् दुष्टात् प्राणहरात् विपुलात् अधर्म्यात् अनर्थ संप्रयुक्ता वा अपि अर्थात्। मेरे वचन से तुम्हें कोई भी अकार्य नहीं होगा, जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें करना है। सिर्फ उसमें भी अगर राजद्वेष द्वेष प्राणहर विपुल अधर्म इस प्रकार का है, अनर्थ संप्रयुक्त इस प्रकार का कोई अर्थ है प्रयोजन है, तो वो नहीं करना है। लेकिन आचार्य अगर अच्छा है तो इस प्रकार का कोई होने का संभावना नहीं है। मदर्पणेन मत प्रधानेन मद अधीरेन मत प्रिय हितानुवर्तिना च शत्रु भवितव्य, तो मुझसे समर्पित हो जाओ, मुझको ही प्रधान रखो, मुझ मेरे ही अधीन इस प्रकार के हो जाओ, और मत प्रिय हितानुवर्तिना च शत्रु भवितव्य, और मुझे जो प्रिय और हित है उसमें ही आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। पुत्रवत दासवत अर्थिवत च उपचरता अनुवस्तव्य अहम, तो एक पुत्र जैसा एक दास जैसा या एक याचक जैसा तुम्हें आचरण करना चाहिए और मेरा अनुपालन करना चाहिए। अनुच्छेकेन अभी अनवहितेन अनन्य मनसा विनीतेन अवेक्षायुक्ष कारण अनसूयकेन च अभ्यनुज्ञातेन प्रविचरितव्यम्। श्मश्रु धारण के श्मश्रु रखने ना रखने से क्या फर्क पड़ता है? श्मश्रु धारण के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? हाँ, मुश्किल है बताना थोड़ा सा। शायद ये सब प्रसाधन है और चित्त विचलित कर सकते हैं इसके जरिए, ये नहीं इस प्रकार का। जैनों में जब दीक्षा दी जाती है तो स्नान वर्जित हो जाता है, और पूरा जन्म उनका बिना स्नान के ही चला जाता है। तो स्नान एक वाजीकरण इस प्रकार का है, और इस प्रकार के विचार मन में निर्माण न हो इसलिए ये पाबंदी वहां पे लगाई होगी हो। उसी प्रकार ब्रह्मचर्य अध्ययन ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो ये शायद बात हो सकती है। अब ये तो मालूम नहीं उस जमाने में लड़कियां भी इसके साथ में रहती थी, ऐसा कुछ है क्या? वो तो शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अध्ययन केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता था, सुशोभन नहीं करना है वही। और वैसे देखा जाए तो मन भटकने का सवाल ज्यादा उठता नहीं है, क्योंकि गुरु के घर घर पे रह रहे हैं इस प्रकार से। ज्यादा से ज्यादा गुरु पत्नी या उनकी और कोई लड़की है तो उतना ही संपर्क औरतों से आएगा, बाकी कोई संबंध नहीं रहता एक्चुअली इस प्रकार से। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है इस हिसाब से शायद ये किया होगा, ऐसा है। तो अनुच्छेकेन इसका अर्थ देखना पड़ेगा एक प्रकार से क्या है।
जमलं तर सकाळी नाही तर मग संध्याकाळी, बहुतेक संध्याकाळी संध्याकाळी देता नितीन चालतो ना, ठीक आहे एक पाच पाच वाजता सांग, पाच पाच वाजता. अभयतेन दक्ष होकर अनन्य मनसा विनीतेन, किसी दूसरी ओर ध्यान न देते हुए विनीत होकर अवेक्ष अवेक्ष कारणा, सब कुछ देख देख के काम करने वाला. अनसूय केन अभ्यनुज्ञातेन प्रविचरत, असूया न रखते हुए और मुझे ज्ञाबा मेरे द्वारा अनुमित मिलने मिलने पर प्रविचरता पूर्वं गुर्वर्थोपहरणे गुर्वोर्थापहरणे यथाशक्ति प्रयतव्यम. जब इस प्रकार से घूमेंगे तो गुरु का जो प्रयोजन है उसमें यथाशक्ति प्रयत्न करने चाहिए. अब हम ये पड़सरे में पहले गुरुकुल होता था, वहां पे बहुत अच्छे पर्वत वगैरह इस प्रकार के थे, और जंगल में घुस गए और गुमराह हो गए, अंधेरा होने लगा, अंधेरा होने लगा, तो फिर सभी घबरा गए कि अभी कैसे वापस कैसे लौटेंगे. इस प्रकार से गानू सर उनके साथ में थे, तो गानू सर ने कहा कि कोई डरने की बात नहीं है, अब शांत हो जाओ, पहले एक्साइटेड मत रहो. और फिर कहा, दीप दिखाई दिया, तो फिर उस दिशा से आगे बढ़ते हुए वहां से निकल आए इस प्रकार से. तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गुरु के आज्ञा के बिना कहीं ऐसे भटकना इस प्रकार का नहीं चाहिए. कर्म सिद्धिम अर्थ सिद्धिम यशो लाभम प्रेत्य च स्वर्गम इच्छता विषया त्वया. कर्म सिद्धि अर्थ सिद्धि और यश, इसका लाभ और परलोक में स्वर्ग, ये इसकी कामना करते हुए वैद्य ने गो ब्राह्मणा गो कृत्वा सर्व प्राणवताम शर्म आशासितव्यम. तो गौ और ब्राह्मण इनको पहले ध्यान में रखते हुए सभी प्राणी मात्र के शर्म कल्याण की कामना करनी चाहिए. तो ये सर्वभूत हितैषिणः, ये जो बात कही गई है कि न केवल मनुष्य के लिए लेकिन सभी प्राणियों के हित के बारे में सभी के सभी को सोचना है ये. तो अभी ये कश्मीर फाइल्स देखने के बाद मुझे ये बड़ी आशंका हुई है कि ये कहाँ से आया, ये क्रौर्य सिखाना, बच्चों को इस प्रकार का क्रौर्य सिखाना और निरपराध व्यक्तियों की हत्या करना, ये मनुष्यों की हत्या करना, ये कहाँ से आया ये जरूर देखना चाहिए और वहीं से परिवर्तन होना चाहिए इस प्रकार से. आ रहा हा उत्तिष्ठता च उपविष्टता च, तो उठने बैठने सभी के स्थिति में यही विचार ध्यान में होना चाहिए कि सभी प्राणी मात्रों का कल्याण इस प्रकार का हो. जीवित हेतोर अपि चातुरेभ्यो नाभिद्रोद्धव्यम्, कि अपने जीवन के लिए भी जो आतुर है रुग्ण है उनसे अभिद्रोह नहीं करना है. तो प्राण संकट है तो भी उनसे अभिद्रोह नहीं करना है इस प्रकार से. मनसा पिच परस्त्रियो नाभिगमनीयाः तथा सर्वमेव परस्वम्, मन से भी परिस्त्री के बारे में उपभोग नहीं लेना है, या सभी परधन जो है उसके बारे में इच्छा आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए. तो ये भी बहुत बड़ी इस प्रकार की स्थिति है. एक बीच में ऐसा हुआ था, कोल्हापुर में मुस्लिम लोगों ने एक मार्च निकाला था, करीबन 75 ऐसे मुस्लिम उसमें शामिल हो गए थे, और शिवाजी महाराज हमारे भी राजा है, हमारे भी आदर है, आदरणीय है, इस प्रकार का जाहिर प्रदर्शन उन्होंने किया था. ये बड़ी अचंभे की बात है. कल्याण के सूबेदार की बहू के बारे में शिवाजी महाराज ने जो भी कुछ किया वो एक ऐतिहासिक उदाहरण है कि किस प्रकार से हमने जिनको जीत लिया है उनसे व्यवहार करना चाहिए. तो शिवाजी महाराज इसके बारे में आदर्श इस प्रकार के रहेंगे कि
और मुस्लिमों ने मोर्चा निकाल कर ये बात स्पष्ट की, ये भी काफी अजीब इस प्रकार का था। निवृत्त वेश परिच्छदेन भवितव्यम, तो निवृत्त वेश धारण करके रहना चाहिए, तो बहुत ऊंचे वस्त्र वगैरह इस प्रकार से नहीं होने हैं। अशौंडेन अपापेन अपाप सत्थाहायेन च, तो शौंड का मतलब कुशल होता है, अकुशल अपाप अशौंडेन, बार देखेंगे इसने कुछ किया था। शुंडा मध्यशाला तत्प्रचारी शौंडा अशौंडस्तु तद प्रचारी, नहीं तो अक्षेश शौंडा अक्ष शौंडा, ये एक व्याकरण में आता है तो मुझे वो याद में आया था। तो मध्य सेवन नहीं करने वाला, ये इसमें अर्थ है, और उसके साथ भी नहीं रहने वाला इस प्रकार का। तो अशौंडेन अपापेन अपाप्य सहायेन च, तो पापी व्यक्ति के साथ भी नहीं होना है, पाप के सहाय से भी नहीं होना है इस प्रकार से। अपाप सहायेन च, ये जो वाल्मीकि कथा है प्रख्यात, कि उसके पाप में उसके परिवार के सदस्य सहभागी होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं, तो उन्होंने सबने कह दिया कि हम इस पाप में सहभागी नहीं होना चाहते हैं इस प्रकार से। तो अपाप सहाय इस प्रकार से होना चाहिए। श्लक्षण शुक्ल धर्म्य शर्म्य धन्य सत्य हित मित वचसा, केवल वचस से अगर लगाएंगे तो काफी मुश्किल है। लक्षण शुक्ल धर्म्य शर्म्य धन्य सत्य हित मित, ये तो बाकी सब जो ठीक है, लेकिन लक्षण और शुक्ल ये वचन के बारे में विशेषण लगाना काफी मुश्किल है। देखते हैं टीकाकार ने कुछ किया है क्या। शुक्लमेव शुक्लम निर्दोषत्वात् एतद् वचनम्, और श्लक्षण के बारे में क्या कहेंगे। तो वचन जो होना है वो अच्छा होना है, धर्म्य शर्म्य धन्य सत्य हित मित इस प्रकार का होना चाहिए। देश काल विचारेणा, और देश और कालीन दोनों का भली भांति ध्यान रखना है। स्मृति मता, स्मृति से युक्त होकर ज्ञानोत्थान उपकरण संपत् सुनित्यम यत्न बता, ज्ञान उत्थान उपकरण संपत्सु ज्ञान निर्माण होने में जो उपकरण है उसमें संपन्नता, संपन्नता होनी चाहिए। अब ज्ञान के तो कई मार्ग अभी उपलब्ध है, इंटरनेट से लेकर बहुत सारे मार्ग उपलब्ध है, तो उसके बारे में हमें सजग इस प्रकार का होना। नित्यम यत्नवता च, तो नित्य प्रयत्न करते रहना चाहिए। न च कदाचित राजदुष्टानां राजद्वेषिणां वा महाजनदुष्टानां महाजनद्वेषिणां वा अपि औषधम् अनुविधातव्यम्, तो राजा के द्वारा दुष्ट या राजा का जो द्वेष करने वाला है, महाजन दुष्ट या महाजन का जो द्वेष करने वाला है, उनको औषध नहीं देना है। तथा सर्वेषां अत्यर्थ विकृत दुष्ट दुःखशील आचार उपचाराणाम अनपवाद प्रतिकाराणाम मुमूर्षूणाम। तो ये काफी अलग इस प्रकार का है। पंचशर ने एक बात कही थी, एक कुख्यात डाकू उनकी पत्नी को उसकी पत्नी को लेकर उनके पास चिकित्सा के लिए आया,
तो सर ने चिकित्सा दे दी, और जब वो पैसे देने लगा तो सर ने कहा मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए। तो वो आश्चर्यचकित हुआ, बोला नहीं नहीं आप पैसे ले लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसों की चिंता नहीं है। बोला नहीं मैं तुमसे पैसे नहीं लेना चाहता। बाकी सब मरीज घबरा गए थे, ये डाकू यहाँ कहाँ पे, इसमें कहाँ से आ गया, इस प्रकार से। वो चला गया। महीने बाद फिर से लेके आया पत्नी को, और साथ में दाढ़ी में फल लेके आया, और बताया कि हमारे खुद के बाग के हैं, मैंने खरीदे वगैरह तो नहीं है, तो आप इसको ले ली, इसका स्वीकार करें। पर सरकार ने उसका भी स्वीकार नहीं किया। अब यहाँ पे ऐसी बात हो सकती है कि अगर वो चिकित्सा करने से इनकार कर देते तो उनके ऊपर भी नौबत आ सकती थी, और चिकित्सा करके भी अगर सफलता नहीं होती तो भी नौबत आती। लेकिन ये परीक्षा के क्षण इस प्रकार के होते हैं। यही सिलसिला बाबा आमटे और उनके परिवार का और नक्सलवादियों का हुआ था। उनके पास पूरे आदिवासी भी आते थे और नक्सलवादी भी आते थे चिकित्सा के लिए, और फिर वो दोनों को चिकित्सा करते थे। ऐसा नहीं था कि नक्सलवादी है उसकी चिकित्सा नहीं करनी है, ऐसा तो नहीं सोचते थे। और इसीलिए बाबा आमटे या उनके परिवार या उनके जो भी स्वयंसेवक वगैरह, उनको कुछ भी तकलीफ नक्सलवादियों से आज तक नहीं हुई है। नक्सलवादी चाहे कितना भी पुलिस के खिलाफ हो और कितनी भी कार्रवाइयां करते रहते हो, फिर भी चिकित्सा नास्ति निष्फला। तो इनके तरफ कभी भी उंगली अंगुली उठाकर भी नक्सलवादियों ने नहीं देखा है। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो ऐसी स्थिति में कैसे बर्ताव करें, ये एक अलग इस प्रकार का माहौल रहेगा। तो अत्यंत विकृत दुष्ट दुखशील आचार, अत्यंत विकृत दुष्ट दुखशील आचार इस प्रकार का अगर है, उपचाराणाम अनपवाद प्रतिकाराणाम, और उपचार में अनपवाद प्रतिकार जिसमें प्रतिकार अशक्य इस प्रकार का है, मूर्छूणां च, और जो मरने की इच्छा रखते हैं उनको दवाइयां नहीं देनी है इस प्रकार से। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है। हमारे पास कई राजकारणी आ सकते हैं, कई ये कलावंत सिने कलावंत वगैरह इस प्रकार से आ सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और उनका कमाया हुआ पैसा अधर्म से जनित है, या फिर ये सरकारी कर्मचारी आते हैं जो रिश्वत लेने में मशहूर इस प्रकार के हैं। तो अब इन सभी की चिकित्सा करनी है नहीं करनी है हमें अगर पता नहीं है, तो ये तो अधर्मीय इस प्रकार के कैटेगरी में गिर जाता है। तो मुश्किल है यहाँ पे किस प्रकार से हम करेंगे। लेकिन ऐसी अगर अगर आशंका हो तो पैसे नहीं लेना, यही बेहतर है। हमारे हिसाब में चिकित्सा निष्फल कभी भी नहीं होती है। तो क्वचित धर्मः क्वचित अर्थः क्वचित क्वचित धर्मः क्वचित अर्थः क्वचित कर्माभ्यास क्वचित चेति क्वचित यशः, पूरा श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। क्वचित मैत्री बराबर कर्माभ्यास क्वचित चेति चिकित्सा नास्ति निष्फला। और जो लोग पैसे नहीं देना चाहते हैं, ये देखा गया है कि गरीब लोग पैसे देने की फिर भी कोशिश करते हैं और कैसे भी इकट्ठा करके पैसे देते हैं, लेकिन अमीर लोग इस प्रकार से नहीं करते, वो पैसा नहीं देना चाहते, कंजूसी करते हैं उस प्रकार से। तो ये सभी प्रकार के अनुभव आते रहेंगे। अनुपवाद प्रतिकाराणा में देखते हैं अगर कुछ किया है क्या। नहीं किया है यहाँ। तथैव असन्निहित ईश्वराणाम स्त्रीणाम अनुदक्षिणाम, अगर
अगर स्त्रियों के साथ उसका मर्द नहीं है, वह अनध्यक्ष दूसरा कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं है, तो औषध नहीं देना है इस प्रकार से। न च कदाचित स्त्रीदत्तम आमिषम आदाता आद दातव्यम अनज्ञातम भर्तरा अथवा अध्यक्ष, या स्त्री द्वारा दिया गया इस प्रकार का आजकल तो अधिकतर पैसे वाले अधर्म से पैसा कमाए हुए होते हैं, तो हम क्या करेंगे? मुश्किल है। मैंने एक बीच में श्रृंखला चलाई थी, ऋण श्रृंखला, दान श्रृंखला और दान, इस प्रकार से। तो बेहतर है कि इस प्रकार से प्राप्त हुआ धन दान में दिया जाए, तो ये या दान श्रृंखला में परिवर्तित इस प्रकार का हो जाए। तो हम खुद अधर्म नहीं करें, ये तो बिल्कुल सही बात है इस प्रकार से। लेकिन अधर्म का इस प्रकार से प्रसार होता रहे, ये भी अच्छा इस प्रकार का नहीं है। तो भर्तरा अथवा अध्यक्षेण, तो उसका पति या उस दूसरा कोई बुजुर्ग आदमी घर पे नहीं है और उसकी अनुमति नहीं है, तो इस प्रकार का स्त्रियों द्वारा दिया गया कुछ भी स्वीकार मत करें इस प्रकार से। आतुरकुलम च अनुप्रविशता विदितेन अनुमत प्रवेशिना सार्धम पुरुषेण सुसंवितेन अवाक्षरसा स्मृतिमता स्मृतिमितेन अवेक्ष अवेक्ष मनसा सर्वम आचरता सम्यक अनुप्रवेष्टव्यम। अभी जिस तरह आप सीधे सुना था कि दशांश निकालने से इसका प्रतिकार होता है, दशांश काफी बड़ा है, ठीक है, लेकिन अगर इस प्रकार से बात हो सकती है तो वो भी बात सही इस प्रकार की रहेगी। तो अगर आतुर के घर पे जाना है तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना इस प्रकार का पड़ेगा। एक हमारे लिए कष्टदायक इस प्रकार का एक अनुभव है। हमारी एक सीनियर अध्यापक जो कैंसर स्पेशलिस्ट बन गए, उनको खुद को कैंसर हो गया था और नानल सर ने उनकी ट्रीटमेंट की थी, वो आगे चलकर खुद कैंसर स्पेशलिस्ट बन गए। और उनका एक अनुभव लोकप्रभा में छपा गया था। वो किसी मरीज को देखने के लिए नागपुर में चले गए, तो एक तो ठीक था कि हवाई जहाज से सफर करना, आना जाना ये सब, और उसके लिए काफी फीस उन्होंने बताई थी। लेकिन जब आतुर के घर पे गए तो सिर्फ बातें की, मैंने इसको देखा है, इसको देखा है, ऐसा किया है, वैसा किया है, मरीज को हाथ भी नहीं लगाया, छुआ भी नहीं, ना कि मरीज के बीमारी के बारे में कुछ बातें की। और फिर बोले कि ठीक है, मैं चलता हूँ, मैं पूना से दवा भेज दूंगा। तो ये बड़ा अजीब सदमा है इस प्रकार से अगर लोग बर्ताव करते हैं। दुर्भाग्य से वो मेरे अध्यापक रहे कॉलेज में। तो इससे ना केवल उनकी बदनामी होती है बल्कि आयुर्वेद की भी बदनामी होती है। तो ऐसा तो कभी नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का बर्ताव कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह ही शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठुप्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। शांति शांति।
शांति। प्रतिदिन किसी भी स्तोत्र साली और चालीसा पूजा पाठ आदि भी करते रहने से इन दोषों से बच सकते हैं, ऐसा भी सुना है। ये श्रद्धा का विषय है। तो जिसकी जिसमें श्रद्धा हो वो उसका पालन करे। 10% ये काफी ज्यादा रकम है। हमने कोलटकर प्रतिष्ठान के लिए 1% सोचा था, वो भी इकट्ठा नहीं होते हैं। 10% की बात छोड़ो, तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है। तो विरम्यते व्याख्यान व्यापार श्वाः पुनरपि मिलिष्यामः। परसों मैं जल्दी निकलने वाला हूँ, तो परसों का लेक्चर नहीं होगा, शुक्रवार कोंकण से मैं लेक्चर करूँगा।